हेलो दोस्तों, एसजे टेक में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही यूजफुल, जो आपको हमेशा काम आएगा। तो आज का टॉपिक है मेल मर्ज। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेल मर्ज क्या होता है। दोस्तों, अक्सर हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम किसी भी पार्टी का या किसी भी फंक्शन का इन्विटेशन हमारे फ्रेंडों को भेजें या हमारे ऑफिस में सभी एम्प्लॉय को भेजें। तो आपको पता होगा, जब आप बहुत सारे मेल को टू में ऐड कर देते हैं तो सभी को चीज पता चल जाता है कि किस किस को मेल आपने भेजा है। पर आप चाहते हैं कि आप उसको इंडिविजुअली मेल भेजें, पर्सनली मेल भेजें, ताकि उसको ये लगे कि ये मेल सिर्फ उसी के लिए है। तो फ्रेंड्स, 1000 लोगों को अगर आपको मेल भेजना है और एक एक को इंडिविजुअली मेल भेजना है, तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और ये पॉसिबल भी नहीं है। आप एक एक करके मेल नहीं भेज सकते। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप उसको बीसीसी में ऐड करके भेज देते हैं। लेकिन अगर आप बीसीसी में ऐड करके भेजते हैं तो भी जिसको आप मेल भेज रहे हैं उसको भी पता चल जाता है कि ये मेल मुझे बीसीसी में भेजी गई है। तो इसका सॉल्यूशन लेकर मैं आज आपके सामने हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे एक क्लिक में आप 1000 लोगों को मेल भेज सकते हैं, वो भी सेपरेटली, इंडिविजुअली, और वो भी 1000 लोगों का नाम ऐड करके। हर मेल में इंडिविजुअली नाम रहेगा, सो दैट उसको ये लगेगा कि डायरेक्ट आपने उसको ही मेल किया है, किसी और को नहीं किया। आइए शुरू करते हैं मेल मर्ज। देखिए, मैंने एक वर्ड की फाइल बनाई हुई है जिसमें मैंने लिखा हुआ है डियर। इसके बाद मैंने नाम नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों मैंने नाम नहीं लिखा हुआ है। मैंने लिखा है वी रिक्वेस्ट द ओनर ऑफ द प्रेजेंस। जो भी मेरा मेल का कंटेंट है वो मैं यहाँ पे मैंने डाल दिया हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो एमएस वर्ड में। और जिन लोगों को मुझे मेल भेजना है उसकी लिस्ट मैंने अपने एक्सेल में बना रखी है पहले से। आप इस लिस्ट को जितनी चाहे उतनी लंबी कर सकते हैं। 1000, 2000, जितनी भी लोगों को आप मेल भेजना चाहते हैं वो आप मेल भेज सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने नाम दिए हुए हैं ABCD एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे जिन बंदों की मेल आईडी है उनके नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए, तो आगे चलते हैं कि कैसे आप इसका यूज करोगे। देखिए, इस फाइल को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। मैं यहाँ पे जाता हूँ, और डेस्कटॉप में मैंने इस फाइल का नाम दे दिया मेल लिस्ट। यहाँ पे सेव कर दिया मैंने मेल लिस्ट। ठीक है, इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। मैंने इस फाइल को बंद कर दी। इसमें दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सारे लोग जिनको मुझे मेल भेजना है कि ईमेल आईडी है और उनके नेम है। और यहाँ पे एमएस वर्ड में मेरे पास कंटेंट है जो मुझे मेल में भेजना है। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले आपको इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद आपको ये देखना है कि मेल मर्ज ऑप्शन कहाँ है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मेलिंग में जाना है। मेलिंग्स, यहाँ पे आपने देखा मेलिंग्स लिखा हुआ है। मेलिंग्स में जाना है, और मेलिंग्स में जाने के बाद यहां देखिए स्टार्ट मेल मर्ज, इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों देखिए, आपको लेटर भेजना है, ईमेल मैसेज भेजना है, इनवेलप बनाना है, लेबल्स बनाना है। अभी मेरे इस सारे ही ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है ईमेल मैसेज। हम ईमेल मैसेज पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने जो एक्सेल शीट बनाई है मुझे उस एक्सेल शीट को इस एमएस वर्ड के साथ लिंक करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे उसी के साइड में राइट हैंड साइड पे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने सिलेक्ट रेसिपिएंट पे किया, टाइप अ न्यू लिस्ट। मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन टाइप करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो मुझे क्या करना है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब एग्जिस्टिंग लिस्ट वो लिस्ट जो मैंने डेस्कटॉप पर सेव करी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। आपको ध्यान होगा मैंने इसे डेस्कटॉप पर सिलेक्ट किया, सेव किया था मेल लिस्ट के नाम से। तो ये यहाँ पे दिख रही है, मैंने इसे डबल क्लिक किया, ये लिस्ट इस एमएस वर्ड के साथ में लिंक हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने डियर के बाद नाम नहीं लिखा, क्योंकि मुझे जो नाम है वो एक्सेल शीट से लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर्सर लेके आऊंगा और इंसर्ट्स पे जाकर नेम्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए, यहाँ पे नेम्स आ गया। अब ये नेम्स जो है वो रेफरेंस है। जब भी मैं मेल भेजूंगा तो जिस लिस्ट में हमने नेम सेव कर रखे हैं उस लिस्ट से एक एक नाम यहाँ पे आते रहेंगे और मेल जाते रहेगा ऑटोमेटिक। चलिए देखते हैं, मैं सिलेक्ट कर देता हूँ फिनिश पे। यहाँ पे गया मैंने किया सेंड ईमेल मैसेजेस, राइट। देखिए, मुझे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे टू में मैसेज भेजना है, वो भी इंडिविजुअली। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके उस कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा जिसमें मेरी ईमेल आईडी है। तो ईमेल आईडी कॉलम का नाम मैंने मेल आईडी दे रखा था, तो मैं मेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ।
और यहां पे मैं देना चाहता हूं सब्जेक्ट लाइन पार्टी इनविटेशन, मैंने ये लिख दिया। अब मुझे यहां पे ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि मुझे एक से लेकर 10 रो भेजना है या सारे भेजना है, तो जो भी मेरी लिस्ट में मैं सभी को भेजना चाहता हूं, मैंने ऑल पे क्लिक किया और इसे ओके कर दिया। अब देखिए यहां पे जो नेम लिखा हुआ है, जैसे ही मैं इस ओके पे क्लिक करूंगा तो यहां पे ऑटोमेटिक नेम चेंज होते रहेंगे और मेल जाते रहेगा। मैंने किया क्लिक ओके पर, देखिए मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर एफ, मिस्टर जी, मिस्टर एच, मिस्टर आई, मिस्टर जे और मेरी सारी की सारी मेल चुटकियों में चली गई सभी के पास। अब मैं प्रूफ दिखा देता हूं आपको। तो मैं अपना मेल बॉक्स खोलता हूं, ऑब्वियसली अगर मेल मेरी मेल आईडी से गई होंगी तो सेंड में होगी। मैं अपने सेंड बॉक्स में जाता हूं। हाँ ये देखिए दोस्तों, मिस्टर ए को गई, मिस्टर बी को गई, मिस्टर सी को गई, मिस्टर डी को गई, मिस्टर ई को गई, मिस्टर एफ, मिस्टर जी, यानी जिन लोगों की लिस्ट मैंने बनाई हुई थी सभी को मेल मेरी मेल आईडी से चली गई। अब जब वो ये मेल को पढ़ेंगे तो उन्हें ये लगेगा, एक मेल में ओपन करके आपको दिखा भी देता हूं, कि ये मेल मैंने सिर्फ उनको ही भेजा है, मतलब स्पेशली मैंने उनको इन्वाइट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 10 लोगों की आईडी दे देता तो ये बहुत अट्रैक्टिव नहीं होता। अट्रैक्टिव के साथ साथ उनको ये लगता कि ये कॉमन पार्टी है, बट जब मैं किसी को इंडिविजुअल मेल भेजता हूँ तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। तो दोस्तों आज आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया। थैंक यू दोस्तों, ऐसे वीडियो अगर आपको आगे चाहिए और आप चाहते हैं कि नए नए वीडियो में बनाते रहूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।